हर जिले में अपनी अपनी एक प्रसिद्ध रेसिपी होती है, अपनी अपनी खाने का तरीका अलग होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जौनपुर जिले में इस तरीके से रेसिपी बहुत ही चाव से सब खाते हैं। तो ये कुंदरू जो नहीं खाते होंगे उस तरीके से ये बनाएंगे तो बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे कुंदरू को मैंने पहले 3 पानी से धुल के उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटे छोटे स्लाइस में पतले पतले मैंने कट कर दिया है। तो इस कुंदरू को कटने के बाद धुलना नहीं है आपको, आपको पहले ही इसको धुल लेना है 2-3 पानी से फ्रेश। फिर मैंने जितना कुंदरू लिया है उसका आधा मैंने प्याज लिया है। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा किलो कुंदरू लिया था, तो यहाँ पे 1 पाव मैंने प्याज लिया है, समझ सकते हैं आप 250 ग्राम। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स मैंने लिया है 3-4 कलियाँ लहसुन के, और मिर्चा जाएंगे इसमें। इसमें थोड़े से बहुत हल्के मसाले, ये देखिए पंचफोड़न, यानी पंचफोड़न भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर मेथी चुटकी भर, और वही आधा चम्मच मैंने सौंफ लिया है, एक बहुत तीखी है ये मिर्ची, एक मैंने लिया है। आप हरी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको तड़का लगा लेते हैं। और मेथी और सौंफ डालने के बाद फ्रेंड्स अब जाएंगे इसमें लहसुन। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नीलू स्वीट किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट मेरी हो चुकी है। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है 3 चम्मच, उसके बाद ये पंचफोड़न या तो फिर मेथी और जीरा या और सौंफ का भी तड़का दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लहसुन और मिर्चा डाला, फिर मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को बहुत अच्छे से पकाएंगे नहीं, सिर्फ ऐसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। उसके बाद सौंधा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हमको डालना है इसके आगे ये कुंदरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा ये ब्राउन हो चुका है। अब चलिए इसमें डालते हैं जो कटे हुए कुंदरू हैं। तो कटे हुए कुंदरू को हम पहले से ही छान के रखे थे, और अगर कटने के बाद आप पानी डाल के इसको धुलेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि इसकी कुकिंग आपको थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए कुंदरू को मैंने डाल दिया है और इस प्याज के ऊपर, अब बस चलाना है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक चलाएँगे, तब तक जब तक ये भी मतलब हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। कलर चेंज होने से ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें बहुत ही करारापन आएगा, और ढकेंगे आप तो बहुत ही अच्छे से ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते। आधा चम्मच भी मैंने धनिया पाउडर डाला है, और वही आधा चम्मच से भी कम मैं लाल मिर्च डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि लाल मिर्च मैंने तड़के में भी दिया था ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं जाएंगे, इसमें बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं। फिर जाएंगे सौंफ का पाउडर, और उसके बाद जीरा पाउडर, जो भी कलौजी के मसाला डालते हो या तो वो भी आप डाल सकते हो चुटकी भर। तो यहाँ पे लीजिए नमक डाल दे रही हूँ ताकि ये कुंदरू सॉफ्ट पड़े, और बाद में इसको अच्छे से क्रंची कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चलावे ला के उसके बाद ढक देना है इसको डायरेक्ट। नमक डाल दिए हैं, अब इसको धीमी आंच पे एकदम कुक करना है 5 से 6-7 मिनट तक। जब तक आपका कुक ना हो जाए आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको खोल देना है, फिर से एक बार चला लेना। जब तक आप बनाते रहें तब तक चलाते रहें 2 से 3 बार। यहाँ पे देखिए जैसा मैंने कहा था, सौंफ और जीरा का भून के मैंने पाउडर बनाया है, वो मैं डाल दे रही हूँ। बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे मसाले में। बहुत अच्छे से इसकी स्वाद चेंज एकदम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कोई पता ही नहीं पाएगा कि ये कुंदरू है या क्या है। तो यहाँ पे लीजिए कुंदरू प्याज की ये मेरी रेसिपी बनके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ सब्जी खाते हैं कुंदरू की। तो कभी कभी ये ऐसा बनाते हैं, कभी कभी लंबा वाला बनाते हैं। तो लंबा वाला मैंने रेसिपी शेयर किया था, तो फ्रेंड्स ये इसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो कुंदरू नेनुआ ये सब ऐसी सब्जी होती है कि इसको डेकोरेट या प्लेटिंग करने में कोई मज़ा नहीं होता, ये खाने में बहुत स्वाद होता है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, और बनाने के बाद ट्राई जब करिएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, चेक आउट माय वीडियो। और फ्रेंड्स आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।